नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। शेयर क्यों गिर रहा है लगातार और क्या चांसेस है ये कितना ऊपर और कितना नीचे जाने का, तो चलिए पूरी रिसर्च और स्टडी को लेके मैं मनीतोष कुमार स्वागत है आपका द इंजीनियर्स ट्रेड में। ये शेयर अभी 42 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और ये अपने हाई से जो कि कुछ महीने पहले मार्च में इन्होंने बनाया था उससे 40% नीचे गिरा हुआ है। और अगर आप बिलीव करोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मार्केट में बस दो ही ऐसे शेयर हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पहला तो NBCC इंडिया और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक, एक ऐसा बैंक जो 2018 से कभी 50 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। मतलब आप समझ लो, ये बैंक पिछले 4 साल में कभी 50 के रेंज को सस्टेन नहीं किया। इस बैंक पे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के द्वारा 1600 का टारगेट दिया गया है, 1500 से 1600 का टारगेट दिया गया। एक महान इंसान है जिसने टीवी पे आके बार बार लगातार पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोला कि IDFC फर्स्ट बैंक विल बी द नेक्स्ट HDFC बैंक। मैं इन महान इंसान का नाम थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा इंसान है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कुछ महीने पहले। और सबसे प्रॉब्लम की बात तो तब आ गई जब पूरी दुनिया इसे बिलीव करने लगी। ये सारा खेल कुछ ही महीने पहले बिछाया गया था जब सभी लोगों के जमा पे बस यही चल रहा था कि IDFC फर्स्ट बैंक विल बी द नेक्स्ट HDFC बैंक। आप मुझे बताओ, जो बैंक 2015 में लिस्ट हुआ हो NSE पे और 2016 में इसका ऑल टाइम हाई 83 का बना हो, ओनली 83, उसके बाद 6 साल निकल गए लेकिन ये कभी 50 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन नहीं किया। उस शेयर पे 1600 का टारगेट देना, जो कि HDFC बैंक का अभी अगर आप प्राइस देखोगे तो वो 1600 के आसपास है, तो 1600 का टारगेट देना क्या सही है? अब बस अपने आप से पूछो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आई नो बहुत सारे लोग 10-20% के लिए इस शेयर में घुसे होंगे और सोचे होंगे कि 10-20% कमा के निकल जाएंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन धीरे धीरे उनका लॉस इतना बड़ा हो गया कि फिर एग्जिट करना उनके लिए आसान नहीं रहा। और इस सब के पीछे वो इंसान है भसीन साहब, यही वो इंसान है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी नए नए रिटेल इन्वेस्टर किसी न किसी शेयर में ट्रैप है भसीन साहब और CNBC आवाज़ की वजह से। अब किसी भी नए इन्वेस्टर जो कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले डीमैट अकाउंट खुलवाए होंगे उससे आप पूछो कि आप कौन से शेयर में ट्रैप है और क्यों आप ट्रैप है, किसने बोला आपको वो शेयर लेने के लिए, तो उसके जवाब से बस दो ही नाम निकलेगा, या तो CNBC आवाज़ या मिस्टर भसीन साहब। पता नहीं इतने लोगों को ट्रैप करने के बाद भी ये इंसान डेली CNBC आवाज़ पे आके दो पिक्स देता है, वो भी प्राउड होके बिना किसी संकोच के। जितने भी लोग 55 से 60 के रेंज में फंसे हुए हैं वो सभी के सभी संजीव भसीन साहब की देन है। CNBC और संजीव भसीन ने दोनों बस नए नए रिटेल इन्वेस्टर को बस ठगने के लिए वहाँ जो हो सकता है वो सारा खेल इन्होंने खेला। अगर मैं जितना बोलूँ उतना कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा वीडियो को खींचूँगा नहीं। मैं आप लोगों को सपोर्ट और टारगेट बता देता हूँ कि ये शेयर किस सपोर्ट पे और कहाँ कितना का टारगेट हो सकता है। मेरे हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट 39 से 40 के आसपास है। अभी ये 42 पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से 2-3 रुपये का करेक्शन मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो आप थोड़े दिन के लिए होल्ड करें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो फ्रेश एंट्री के लिए 39-40 का लेवल अच्छा होगा, और जिनके पास ऊपर के लेवल फंसे हुए हैं वो यहाँ इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म टारगेट में मेरे हिसाब से 48-53 का टारगेट 2-3 महीने में देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा उम्मीद करें तो मत रखिए, 65-70 का लेवल जैसे ही मिले तो आप एग्जिट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी गलती से सीखें, ऐसा नहीं कि आपको एवरेज करके अच्छे रेट मिल गए निकल गए। गलती से सीखें आप क्यों फंसे, किसकी वजह से फंसे, कैसे फंसे, सारे गलतियों से आप सीखें, वरना ये लोग आपको जीने नहीं देंगे इस शेयर मार्केट में। वीडियो को शेयर करें ताकि जो नए नए लोग आपके रिलेटिव या आपके दोस्त हो जो मार्केट में आ रहे हैं उनको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। क्योंकि देखिए, अगर आप सीखोगे नहीं तो आप बढ़ोगे नहीं, आप बढ़ोगे नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो शेयर मार्केट में, ये लिख के ले लो आप। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शेयर करें।